आरएम बड़ा सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा सरोज, आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। जी सर, एक बातचीत और करना चाहेंगे, अभी 23 मई को रिजल्ट आना है, किस पार्टी से आप जेजेडी पार्टी से? जिला अध्यक्ष भी हैं आपका पद भी है, जिम्मेवारी भी सारी दी हुई है, आपने किसानों के ऊपर भी पूरी बातचीत बताई है, अभी क्या कुछ बताते हैं कि भी आप किस प्रकार से जीत का दावा बोलते हैं गुड़गांव के अंदर? मैं तो जीत की कोई बात ना, मैं हार की बात करता हूँ ना जीत की, ना जीत और हार हमारे लिए मायने रखते हैं इस चुनाव में। ये चुनाव भारत सरकार का चुनाव है, हमने दुष्यंत चुटाला, हमें तो एक तगड़ दुष्यंत सिंह चुटाला जैसे अगर हमारे 10 साथी वहाँ जाते तो संसद के अंदर जैसे दुष्यंत सिंह चुटाला ने बार बार 568 क्वेश्चन इस नौजवान मेंबर पार्लियामेंट सांसद साहब ने हरियाणा प्रदेश की ऑल इंडिया की तरफ पूरे भारत के क्वेश्चन वहाँ पर उठाए थे। किसानों की समस्याओं की, ट्रैक्टर पर टैक्स लगाने की बात थी, बहुत कुछ दवाइयों की बात थी, मतलब इन्होंने बहुत हमारे माननीय मेंबर पार्लियामेंट रहे हिसार से दुष्यंत सिंह चुटाला ने, तो हम चाहते थे ऐसे साथी चुनकर वहाँ जाए नौजवान और पढ़े लिखे, और सारे ही पढ़े लिखे लोगों को नौजवानों को टिकट दी थी। अब ये हमारी लड़ाई भविष्य में, हम ये मान के चल रहे हैं हमारी सीट कितनी भी आए, ये तो भविष्य के क्रम में कोई ज्योतिषी नहीं बता सकता कितनी सीट किसकी आएगी, तो आंकड़े लगाए जाते हैं। कितनी जीत का दावा बोलते हैं आप गुड़गांव में, कितनी जीत का पैदा करते हैं आप गुड़गांव में, आप कितने एक आपके वोटर हैं, कितनी फिलहाल संख्या क्या है गुड़गांव के अंदर? मैं आपको एक बात सीधी सीधी बता देना चाहता हूँ कि हमें मेंबर पार्लियामेंट हमारा 1 आए 10 आए, पर अगली लड़ाई जो चीफ मिनिस्टर की लड़ाई इस प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चुटाला होगा, क्योंकि चुनाव के हर चुनाव अलग मायने रखता है, सरपंच का चुनाव अलग मायने रखता है, मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव अलग मायने रखता है, और MLA का चुनाव अलग मायने रखता है। जब विधानसभा के चुनाव आएंगे तो आप ये मान कर चलो कि 60 से 70 सीटें लेकर के दुष्यंत सिंह चुटाला चंडीगढ़ के अंदर सरकार बनाएंगे, और जो लोग होपलेस हो गए कि भाई आज सारी भारतीय जनता पार्टी की सीट आ रही है, इसमें घबराने की जैसी कोई बात नहीं, क्योंकि मोदी जैसा एक जादूगर, एक कलाकार, मैं तो उनको ये कहूँगा सम्मानित है, देश के सम्मानित पद को गौरवित कर रहे हैं। आज वो तपस्या है, दुनिया में तपस्या होती है चुपचाप, वो मीडिया के सामने जाकर तपस्या कर रहे हैं, इसका एक मतलब आप मोदी जी को आरोप लगा रहे हैं, छोटी सी बात है। तो मैसेज ये है कि हिंदू हम हैं, बाकी कोई हिंदू नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हिंदू है, बाकी कोई हिंदू ना है, हिंदू वो है वो ही हिंदू मानते हैं अपने आप को, इसीलिए मीडिया में बार बार दिखाया जा रहा है। सर, मीडिया में दिखाया नहीं जा रहा जी, मीडिया कोई चीज होती है मीडिया को दिखानी पड़ती है मजबूरी में, नहीं मीडिया को दिखाने की कोई ऐसी कोई बात नहीं है, जो आपने बात बता रही है बिल्कुल जायज। जहां होटल जैसे आरटीएमएस जैसे अस्पतालों के अंदर मेडिसिटी के अंदर लाखों रुपए 1-2 दिन के बुखार के अंदर देने पड़ते हैं, वहीं हम ऐसी व्यवस्था इन अस्पतालों में करेंगे कि वहाँ पर डॉक्टरों की दवाइयों की बिल्कुल पारदर्शिता करके ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल बना करके गरीबों तक इलाज मुहैया कराएंगे। वहीं शिक्षा का स्तर जो हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार डाउन होता जा रहा है, हम स्कूलों का स्तर इस कदर ऊंचा करेंगे कि मैं आज आपसे वादा करता हूँ अगर दुष्यंत सिंह चुटाला मुख्यमंत्री इस प्रदेश के बनते हैं तो जातिवाद पर राजनीति नहीं करेंगे हम, हमारे स्कूल और अस्पतालों को देखने के लिए लंदन जैसे शहरों से अगर लोग नहीं आए तो ये हमारा आपसे वादा रहेगा। जननायक जनता पार्टी जिस दिन प्रदेश के अंदर सत्तारूढ़ होगी उस दिन पहला काम गरीब किसान का, गरीब कर्मचारी का, गरीब व्यापारी का कर्जा माफ करने की जो घोषणा है, 3,000 पेंशन करने की, शिक्षा और चिकित्सा इस कदर हम संसार के अंदर 1 नंबर पर ले जाने का काम करेंगे, देश में नहीं पूरे संसार के अंदर 1 नंबर पर यहाँ की शिक्षा और चिकित्सा, क्योंकि दुष्यंत सिंह चुटाला के अंदर मैं जब देखता हूँ उनके जज्बा तो चौधरी देवलाल जी का रूप नजर आता है। चौधरी देवलाल जी ने जब 100 रुपये पेंशन की तो यहाँ का मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल था, उन्होंने कहा एक को पागल बना रहा है लोगों को, अगर ये पेंशन होती तो मैं यहाँ का प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, मैं एक करके दिखा देता। चौधरी देवलाल जी ने कहा था कि मैं जिस दिन चंडीगढ़ में जाऊँगा वृद्धों की पहली कलम से 100 रुपये पेंशन करने का, वृद्धावस्था भत्ता देने का, सम्मान देने का काम ही करूँगा इन बुजुर्गों का, और उन्होंने करके दिखाया। तो मुझे इसके अंदर उसका रूप नज़र आता है, और मैंने
डॉक्टर साहब से, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को मैं अपना बड़ा भाई ही नहीं बना, उनके अंदर चौधरी देवलाल दिखाई देते हैं, इस बच्चे के अंदर जो उनका बेटा है हमारी पार्टी का सर्वे सर्वा दुष्यंत सिंह चौटाला, उनके अंदर मुझे चौधरी देवलाल जी की दिखाई देती है। मीडिया का कोई कसूर नहीं बता रहा, और मीडिया की कहीं ना कहीं कोई कमियां मैं बताऊंगा, एक दो कमी जैसे अंबानी और अडानी की टीवी मीडिया, मीडिया में बहुत बड़ी हिस्सेदारी दोनों परिवार की, तो अडानी अंबानी इनको खुद के बेटे का ध्यान नहीं, मोदी जी का परिवार में किसी को भतीजे को बेटा नहीं मानता, तो ये ज्यादा अंबानी और अडानी जी को अपना बेटा समान मानता है दोनों परिवारों को, वो तो दिखाएंगे। तो सुबह सिंह गोरा जी से बातचीत की, कहीं ना कहीं पार्टी की नीतियों को उनको लेकर एक नया विषय है कि भी लोकसभा चुनाव होने हैं, उनके 10 की 10 सीटों पे दुष्यंत जी का ही राज होगा, मतलब विधानसभा की बात आती है तो विधानसभा के बताए कि भी काफ़ी सीटें, लगभग हरियाणा की काफ़ी सीटें विधानसभा में लेके जाएंगे, कुछ ना कुछ जीत का दावा बोलते हैं। हमारे साथ सुबह सिंह गोरा जी से बातचीत की हमने, तो जाना उनको पार्टी की नीतियों को लेकर कैसे पार्टी की उनकी जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी हुई है, तो आप देखते रहिए क्राइम न्यूज चैनल गुड़गांव से।